आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। भावदस द्वारा पश्चिमी मुरादाबाद की वाल्मीकि भगवान शोभा यात्रा मऊ से प्रारंभ हुई, जिसका शुभारंभ वाल्मीकि भगवान के मूल मंत्र पढ़कर एवं वीरोत्तम लल्लावाऊ द्रविड़ ने लगाट कर किया। शोभा यात्रा के आरंभ में मूल मंत्र पढ़ने वालों में वीर श्रेष्ठ रविन्द्र द्रविड़, बलवीर भारती, आदेश कुमार, रावत चौधरी, सुभाष शंभू, सतीश विराट, राम किशोर, विक्की, मौसम, शिवम बिल्ला, जगजीवन, पप्पू, संजय, बबलू, सोनू आदि ने मूल मंत्र पढ़कर शोभा यात्रा का प्रारंभ किया। शोभा यात्रा में भगवान वाल्मीकि की झांकी अति सुंदर थी। वहीं सीता माता, हनुमान जी, भारत लक्ष्मण, अम्बेडकर जी, काली माता, पागल रसी एवं भगवान वाल्मीकि की पालकी आगे आगे चलती रही। वहीं बैंड बाजे ढोलों के साथ वाल्मीकि भजन गाए जा रहे थे। वहीं शोभा यात्रा में गजेंद्र सिंह, संजीव लोकेश, चंदन वीरेंद्र, गौरव द्रविड़, विशाल द्रविड़, विशाल शरण आदि ने मुख्य रूप से भाग लिया। शोभा यात्रा का नेतृत्व भावदस के धर्म समाजियों ने किया। मुझे वीरोत्तम लल्लावाऊ द्रविड़ कहते हैं, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज का सर्वोच्च निर्देशक। तो क्या क्या प्रोग्राम है आज यहाँ पर? आज यहाँ भगवान वाल्मीकि की शोभा यात्रा है। यूके बड़ी शोभा यात्रा कल जायसी से निकली थी, आज ये जो पश्चिमी मुरादाबाद की वो आज यहाँ मऊ से निकल गई। ये यहाँ से मऊ में घूम के भटावली से वापस होगी और यहाँ आके लौट के मऊ में समाप्त हो जाएगी। सर, आपके द्वारा एक अखंड ज्योति यहाँ लाई गई थी, क्या वो वापस उत्तराखंड जाएगी या फिर यहीं पर ही कहीं? यहाँ यहीं वाल्मीकि मंदिर है, उस पर कटघर में इथांत में वहाँ स्थापित हो जाएगी। सर, यहाँ से और आपके और प्रदेशों में भी ये कार्यक्रम चल रहा है? ये पूरे भारत के अंदर चल रहा है और मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज ने वाल्मीकि कौम को जगाया है और आज कभी वाल्मीकि जी के नाम को लोग ये वाल्मीकि कौम नहीं जानती थी, मंत्र नहीं जानती थी और आज जगह जगह कार्यक्रम 3 दिन से हो रहे हैं और लगातार चल रहे हैं। मैं इसके लिए अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि जो मेरी मेहनत 42 साल की थी वो अब मुझे प्राप्त हो रही है। सर, मीडिया जो है लगातार आपकी कवरेज कर रही है, मीडिया को क्या संदेश देंगे? मीडिया को ये संदेश देंगे कि मुझसे कोई भी सवाल करेंगे उसका उत्तर करेंगे।